ये हमारा ईगो है ना। और भगवान की भी हम जो मूर्त बनाते हैं वो भी हम अपने ही जैसे, मनुष्य जो मूर्ति बनाएगा वो देवी देवताओं को जो बनाएगा उसके ही रूप में बनाएगा, भगवान को भी वो अपने ही ढंग में ढाल देगा। अगर घोड़े धार्मिक हो जाते हैं, अगर वो मंदिर बनाते तो निश्चित उसमें जो मूर्ति होती वो कोई बड़े अरबी घोड़े की होती, मनुष्य की नहीं होती। मनुष्य को शैतान की तरह देखते होंगे, मेरी पीठ पर सवार हो जाता है, चाबुक मारता है। हाँ, अगर वो शैतान की मूर्ति बनाएंगे तो इंसान की बनाएंगे, ये दुष्ट प्राणी हिंसक प्राणी, कभी नहीं सोचेंगे कि मनुष्य जो है सर्वोत्कृष्ट, उनकी दृष्टि में तो निम्नतम है ना, बिल्कुल क्रूर क्रूअल हिंसक, सदियों सदियों से घोड़ों को सताता रहा है। इतने युद्ध हुए अतीत में, तो युद्ध चलते ही रहते थे, छोटे छोटे तो देश थे, भारत में 2000 देश थे, आए दिन युद्ध, वो बेचारे घोड़े जबरदस्ती मारे जाते, उनका ना किसी से दुश्मनी ना दोस्त थी, सैनिक लेकिन घोड़े पर बैठ कर लड़ रहे हैं, घोड़े मारे जा रहे हैं। घोड़ों से अगर पूछो शैतान कैसा है तो इंसान को बताएंगे ये है शैतान, जिसने हमारे पूर्वजों को सदियों सदियों से सताता आ रहा है। इतने घोड़ों के मरने का कारण यही है, लड़ाई इसकी होती है, हमारे हम जाते हैं। वो भगवान की मूर्त इंसान के रूप में कभी नहीं बनाएगा। पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि हमारा देश धार्मिक है, मैं इस बात से भी कतई राजी नहीं हूँ। दूसरी बात से राजी हूँ, यहाँ बहुत धर्म गुरु और बड़े बड़े महात्मा साधु महात्मा हुए हैं, इसको ऐसा समझे, चूंकि मैं डॉक्टर हूँ इसलिए डॉक्टरी वाली बात से कहूँ। अगर कोई कहे कि हमारे गांव में देखिए कितने पैथोलॉजिस्ट हैं, इतने मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, इतने गायनेकोलॉजिस्ट हैं, हमारा गांव कितना स्वस्थ है, हम हंसेंगे। अगर गांव स्वस्थ होता तो डॉक्टरों की भी जरूरत थी। डॉक्टरों की गिनती ही बता रही है कि भयंकर बीमारियां फैली हुई है, डॉक्टरों की गिनती प्रमाण है। इतने नहीं तो इनकी रोजी रोटी कहाँ से चलती इतने डॉक्टरों की। अगर एक स्वस्थ समाज बन जाए, कहीं एक स्वस्थ शहर हो, तो डॉक्टर तो भूखे मर जाएंगे, सब छोड़ के डॉक्टर जाऊंगे कहीं और। तो जब हम कहते हैं कि इतने साधु महात्मा इतने धर्मोपदेशक यहाँ पर हुए, स्पष्ट है कि हमारी हालत बहुत ही खराब है धर्म के मामले में, नीति के मामले में, समाज के संरचना के मामले में, समाज की व्यवस्था के मामले में, तभी तो इतने उपदेशकों की जरूरत पड़ रही है। वो पुराने से पुराने उपदेश उठा के पढ़ लो, 2500 साल पहले बुद्ध क्या समझा रहे थे, गाँव गाँव जाकर चोरी मत करो, कि पर स्त्री की तरफ नजर न फेरो, डाकर मत डालो, हिंसा ना करो। महावीर समझा रहे थे अहिंसा परमो धर्म, किसको समझा रहे थे? अगर लोग अहिंसक थे क्या उनको समझाने की जरूरत पड़ती? इसका मतलब है कि लोग हिंसा कर रहे थे, बड़ी हिंसा में जी रहे थे, तभी तो उनसे कहना पड़ता था कि अहिंसा परम धर्म है। अगर लोग चोरी कर ही नहीं रहे थे तो किसको समझा रहे? बुद्ध पागल थे जब लोग कह रहे थे चोरी मत करो, किससे कह रहे थे? मतलब लोग चोर थे। तो आपकी आदि बात बिल्कुल सही है कि बहुत धर्मोपदेशक और साधु महात्मा गुरु यहाँ पर हुए, और उसी से सिद्ध होता है कि हमारा देश धार्मिक नहीं है। ये डॉक्टरों की गिनती और पैथोलॉजी लैब्स की गिनती बता रही है कि यहाँ स्वास्थ्य नहीं है, बड़ी बीमारियां चल रही हैं। और पुराने से पुराने धर्म ग्रंथ आप बिहार को पढ़ कर देखिए उनमें क्या लिखा है, पुराण उठा के पढ़ लीजिए, उनकी जो कहानी किससे है, देवी देवता क्या कर रहे हैं, साधारण मनुष्य के नहीं, देवी देवताओं की कहानी है। इतनी गंदी और नीची और अश्लील कहानियां, बेहूदी, जिसको हम साहित्य की कोटी में भी आज नहीं रख सकते, वो सब पुराणों में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए आप। देवी देवता क्या कर रहे थे, उनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई हुआ ही नहीं कभी आज तक। अगर कभी थे ऐसे देवी देवता, मतलब शर्मनाक है वो पुराण को बचा के रखना भी, बताना कि हमारे अतीत में ऐसा हुआ करता था। आज अगर कोई इंसान भी वैसा करे तो हम उसको जेल में डाल देंगे, जो देवी देवता उस तरह कर रहे थे। ये समाज हमेशा से खूब भ्रष्ट रहा है, बहुत रुगण रहा है, और इसलिए इतने साधु महात्माओं और उपदेशकों की जरूरत पड़ी है। ये कोई शान की बात नहीं है बताने में कि हमारे देश में इतने धर्मगुरु होते हैं, ये बल्कि शर्म की बात है। डॉक्टरों की गिनती बताना या वकीलों की और जजों की गिनती बताना कि देखो हमारे शहर में कितने वकील हैं, पता चलता है कि लोग कितने अपराधी हैं, जितने ज्यादा सीए बैठे हुए हैं यहाँ है कि नहीं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये स्थिति चल रही है? एक बात और, इस पर आप क्या कहेंगे स्वामी जी?
बिल्कुल इतने धर्म गुरु हैं और आपने कहा भी नहीं होने चाहिए क्योंकि स्थितियां सही नहीं हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं वो बदल भी नहीं रही, वो और बद से बदतर होती जा रही है, इनका इनके पीछे क्या कारण? इनके पीछे हमारा मेरे को जो समझ में आता है, स्थिति वक्त से बदतर नहीं हो रही है, मतलब पहले से बेहतर हो रही है, विकासमान है, बदतर नहीं हो रही है। जैसे मैं उदाहरण दिया पुराण का, आप शिव पुराण भागवत पुराण पढ़ कर देख लीजिए, उसमें जो वर्णन उस समय बहुत उसकी हालत पर था। आज जब मैं पढ़ता था समझ लो 35 साल, सन 1975 की आपको फिगर बताऊ भारत की औसत उम्र कितनी थी, 27 ईयर्स सन 1975 में। कहां की बातें कर रहे हैं कि लोग बहुत बड़े अच्छे स्वस्थ जी रहे थे, लंबी उम्र जी रहे थे, कब कब जी रहे थे भाई, कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। हमारे मन में धारणा है आज हम ज्यादा स्वस्थ हैं, ज्यादा संपन्न हैं, ज्यादा स्वतंत्र हैं, विचार करने के लिए भी स्वतंत्र हैं, न्याय के लिए लड़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप अपनी बात कह सकते हैं कि आप इतने अखबार वाले टीवी वाले बैठे हैं, आप कोई भी बात तुरंत फैला देते हैं। अब वैसी गड़बड़ नहीं हो सकती जैसे पहले होती थी, अब कोई चीज सीक्रेट छुपा के नहीं रख सकता, कोई षड्यंत्र आप उजागर कर देंगे, कम्युनिकेशन के साधन आ गए, तेजी से चीजें फैलने लगी। आजकल गड़बड़ होगा जरा से आपका अखबार में छाप देंगे, पहले तो पता ही नहीं चलता था। पुरानी बात छोड़ो, 10-12 साल पहले नेपाल में हम थे जब राजा का मर्डर हुआ, अब पूरा नेपाल को पता है कि किसने मर्डर किया, लेकिन अखबार में नहीं छप सकते, एवरीबॉडी नोज कि राजा की भाई ने ही मारा है, अपने भाई को, भाभी को, भतीजे को, सबको, और खुद राजा बन गया वो। कितनी अन्याय व्यवस्था, किसने बनाई अन्याय व्यवस्था, उसी राजा ने बनाई जो मर रहा था, मतलब दूसरों को ये खोदा गया गड्ढा उसी में गिरा हो। व्यवस्था ये थे नेपाल में थी कि राज परिवार का कोई भी व्यक्ति ऊपर केस नहीं कर सकता, कुछ रॉयल फैमिली के किसी भी मेंबर के ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल सकता, कानून बाकी सबके लिए है, राज परिवार के लिए नहीं है। तो राजकुमार किसी का मर्डर कर दें कोई केस नहीं हो सकता, उस परिवार का कोई भी व्यक्ति कुछ कर दे वो कानून की सीमा के ही बाहर है, वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। अब इसी कानून का फायदा उठाते हुए राजा के भाई ने राजा को मारा, सबको अंदाज है यही हुआ है, लेकिन कोई प्रेस वाला छाप